हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके साथ ये प्यारा सा लुक शेयर करने जा रही हूँ। गाइस, कैसा लग रहा है आप सभी को ये लुक। वीडियो में आगे बने रहिए। स्टार्टिंग की है मैंने अपने फेस को वेट वाइप से क्लीन करके। जो भी मेरे फेस पर ऑयल था, डर्ट था, मैंने उसको क्लीन कर दिया। आज मैंने यूज़ किया है पॉन्ड्स का जेल बेस हाइड्रोलिक। एक क्रीम आती है, ये भी क्रीम बहुत अच्छी होती है, हाइड्रा जेल करके आई थी। इस क्रीम को मैंने पहले फेस को मॉइस्चराइज़ किया, उसके बाद मैं अपने डार्क सर्कल पर येलो करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। गाइस, एक्चुअली मेरा आज मेकअप थोड़ा सा येलो बेस पे है, तो मैंने इसलिए येलो करेक्टर को यूज़ किया है और मेरा अंडरटोन भी येलो ही है। तो मैं अपने स्किन को करेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने सुप्रा का FS28 नंबर अपने फेस पर बेस क्रिएट कर रही हूँ। गाइस, बहुत ही लाइट सा बेस दे रही हूँ। जो येलोनेस मेरे फेस पर दिख रही है उसको ही बैलेंस आउट कर रही हूँ मैं। देखिए, जब मैंने इसको ब्लेंड कर दिया तो मेरे फेस का जो येलो नेस आ रही थी वो बिल्कुल सही हो गया है। देखिए आप, अब मैं इसको बेस को अपने पैक कर रही हूँ। गाइस, मैंने लैक्मे का रोज़ पाउडर लिया हुआ है, रोज़ लूज पाउडर है, क्योंकि मैंने बेस जो थोड़ा येलो था इसलिए मैंने यहाँ पर जो पाउडर लिया है वो थोड़ा सा पिंक टोन में है, ताकि मेरा फेस जो है वो बिल्कुल बैलेंस आउट है। आपके पास अगर कभी भी कोई गलत शेड में कोई चीज़ हो, मीन्स बेस या फाउंडेशन आ जाती है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं आपको वीडियोस में बताऊंगी धीरे धीरे कि कैसे गलत शेड के शेडोज़ भी, या फिर आप फाउंडेशन पिक कर लेते हैं तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इजीली बैलेंस आउट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस जो आएंगे उनमें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ मैंने अपने आईब्रोज फिल की है स्विस ब्यूटी के जो आईलाइनर आता है, मैंने उसमें उससे फिल किया, अपनी आईब्रोज़ को शेप दिया है। और जो थोड़ा सा डार्क आउट हो गया था मैंने उसको ईयरबड की हेल्प से लाइट किया। मैं यहाँ हुडा की पैलेट यूज़ कर रही हूँ और अपने आईज़ पर हल्का सा ब्रो बोन हाईलाइट कर रही हूँ, और साथ में आई कॉर्नर भी मैं इससे हाईलाइट करूँगी। गाइस, ये देखिए, ये एक डे मेकअप लुक है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट या पॉप आउट नहीं करूँगी। अब मैंने यहाँ पर ऑरेंजिस बेस को उठाया है, ऑरेंज कलर है, हल्का सा, बहुत ही लाइट टोन में ऑरेंज है ये। गाइस, देखिए, फिर उसके बाद मैंने डार्क टोन का ऑरेंज कलर लिया था और उसमें येलो मिक्स करके मैंने क्रीज एरिया को डिफाइन किया था इस तरीके से। और जो कलर मैं ऊपर क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ उसी कलर को मैंने अपनी लोअर लैश में भी अप्लाई किया था। इस तरीके से देखिए, मैंने उसी ब्रश को जो मैं कलर अपने क्रीज एरिया पे यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर, उसी को मैंने लोअर लैश पे यूज़ किया। मैंने जो आई बॉल है बीच में उसको येलो कलर से फिल किया है। ये कलर दोनों इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये सेम फैमिली के हैं। इस तरीके से कॉर्नर मैंने डार्क किया है और लाइट किया है इनर कॉर्नर को। इस तरीके से देखिए गाइस, अच्छा लग रहा है ये। आज मैं लुक क्रिएट कर रही हूँ उसमें लाइनर इफेक्ट दूंगी, स्मज लाइनर की तरह। तो मैंने उसके लिए शुगर का काजल को यूज़ किया है, शुगर का ये काजल है, इसको अपर एंड लोअर दोनों ही मैंने लाइनर की तरह लगाया, फिर काजल की तरह लगाया। अब मैं इसको एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से, स्मजिंग ब्रश जो आता है उसकी हेल्प से मैंने इसको मर्ज करना स्टार्ट किया है
इस तरीके से हम इसको मर्ज कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखेगी, है देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर, अगर आपका इंटेंस, बहुत इंटेंस करना है आपको अपनी आइज़ को, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का आप शेडो भी यूज़ कर सकते हैं इसको पैक करने के लिए। देखिए मैंने थोड़ा सा शेडो भी यूज़ किया है इसके साथ, और इसको, इसकी लाइन ना दिखे, मैं इसको इस तरीके से मर्ज कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से गाइस। मेरी मेकअप की टेक्निक बहुत ही सिंपल होती है गाइस, और आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, यहाँ तक आप बने हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें गाइस। ये देखिए दोनों आइज़ का मैंने मेकअप इक्वल किया है। अब यहाँ पे मैं मस्कारा ले रही हूँ, मेबेलिन का मस्कारा है गाइज़ ये, और मस्कारा के आप चाहे एक कोट दे सकते हैं और एक से ज़्यादा कोट भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ फॉल्स आईलैशेस नहीं यूज़ करी हुई है, तो मैं एक से दो कोट लगा रही हूँ मस्कारा की। आइज़ का मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। कॉन्टोर हमारे फेस को बहुत ही शार्प लुक देता है गाइस, हमारे फीचर्स को और इन्हेंस करता है। अब कॉन्टोर करने की टेक्निक को देखिए गाइस, मैं किस तरीके से अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। मेरा फोरहेड काफ़ी बड़ा है, तो मैं उसको अपर साइड से कम करने की कोशिश कर रही हूँ, और चीक बोन्स को और जॉ लाइन को मैंने कंटूर किया। अब मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का पैलेट लिया हुआ है ब्लशर के लिए, मैं यहाँ सनकिस्ट ब्लश यूज़ कर रही हूँ गाइस, थोड़ा सा नोज़ एरिया पे, चीक्स पर। मैंने काफ़ी लाइट मेकअप ही किया है गाइस, क्योंकि ये डे आउट मेकअप है, तो मैं इसको बहुत लाउड नहीं बना रही हूँ। मेरी इस एक्टिविटी पर आप थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, मैं और भी वीडियोस क्रिएट कर रही थी, तो उसी का शूट है। मैंने यहाँ हाइलाइटर यूज़ किया है गाइस, हाइलाइटर से हमारे फेस पर अच्छा सा ग्लो आ जाता है। ये मैं यहाँ पर लिप क्रियॉन यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं लिप्स को शेप दे रही हूँ, ओवरलाइन कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरे लिप्स पतले हैं अपर साइड पर। इसी लिप क्रियॉन से ही मैंने अपने लिप्स को फिल किया था। मैं इसको ओमरे इफ़ेक्ट देने के लिए बीच में फाउंडेशन यूज़ किया है मैंने। ये देखिए गाइज ओवरऑल लुक निकल के आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।